यस तो अभी आप देख रहे हो मैंने गेम बना दिया है कंप्लीट एंड वहां पर डेडलाइन गेम ओवर कैसे होगा वो हमने आज कमांड सीखना है कैसे मैंने ब्लॉक यूज करना है एंड मेरा स्कोर देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है देयर इज चेंजेस इन माय स्कोर तो स्कोर बोर्ड कैसे ऐड करना है आपके गेम में एंड विल सी कि जितने मेरे बॉल्स को पैडल टच करेगा मेरा स्कोर उतना होगा अगर जैसे ही मैं मिस कर देती हूँ बॉल को बैलेंसिंग नहीं प्रॉपर करती हूँ तो मेरे गेम ओवर हो जाएगा तो आज हम ये इंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं एंड हाउ विल लूज अ गेम तो थीम वही रहेगी जो हमने लास्ट में किया था मूव द पैडल में अब हम इसमें सिर्फ ऐड करेंगे तब मुझे गेम ओवर भी बताना है कि जब कोई मेरा गेम बना हुआ खेले तो उसमें रेड लाइन में एक साइन रखूंगी कि अगर उसकी बॉल यहाँ पर टच हो जाए तो उसका गेम ओवर हो जाएगा सो ही कैन नॉट प्ले द गेम तो हमने ये स्कोर और यहाँ पर मेरा स्कोर बोर्ड ऐड करना है तो हमने कौन सा इंस्ट्रक्शन देना है वो सीखने वाले हैं हम लोग एंड विल सी ये गेम ओवर को कौन से इंस्ट्रक्शन दूंगी जिससे ये गेम में ये एडिशनल ऐड करना पड़ेगा हमें तो मतलब मुझे एक और कैरेक्टर यहाँ यूज करना पड़ेगा सो डैट कि जब कोई गेम जैसे कि मैंने बताया था जैसे कोई गेम खेल रहा है जैसे मैंने पूरा बना दिया ये गेम और आपको ये गेम लॉन्च करना है तो उससे पहले आप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो जैसे गेम ओवर कब होना चाहिए स्कोर बोर्ड कैसे चेंज होना चाहिए देखिए अभी मैं नया गेम खेल रही हूँ तो वापस मैंने प्ले इसलिए कर रही हूँ देखो जैसे मैं नया गेम खेल रही हूँ तो मेरा नया स्कोर स्टार्ट हो रहा है अक्सर आपने देखा आप जब भी गेम खेलते हो तो नया स्कोर बोर्ड मिलता है तो इसी तरीके से मेरा गेम जब भी खेले आउट होने के बाद नया स्कोर और जैसे ही वो रेड लाइन पे हो तो मेरा गेम ओवर हो जाए एंड गेम गेट स्टॉप हो गया तो आज हम ये एडिशनल सीखने वाले हैं इस पे तो लेट गेट स्टार्टेड तो अगेन हमें यहाँ पर ये देना है गेम ओवर का नाम क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि ये स्प्राइट कैसे यूज करना है टू स्टॉप द गेम क्योंकि हम कंटिन्यू में तो नहीं खेल सकते हैं राइट एंड वॉट आर द इंस्ट्रक्शन वी नीड टू गिव इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देने वो कैसे यूज करने हैं मैं आपको भी बताऊंगी सो अब मैं सबसे पहले इसको डिलीट करती हूँ सो डैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस तो मैंने ये कैरेक्टर यहाँ से डिलीट किया अब हमने स्कोर बोर्ड सीखना है कि स्कोर बोर्ड कैसे बनाना है हमें इसमें गेम में ओके तो जैसे कि हमने ये सीख चुके हैं कि पैडल कैसे मूव होगा एंड बॉल बाउंस होते हुए हमने देख लिया था अब हम इसमें एक क्या करना है अभी मैंने टाइटल दे दिया तो टॉप मोस्ट में जाके आपको टाइटल दे देना है अभी आज हम सीख रहे हैं गेम ओवर रेड लाइन कैसे यूज करनी है ताकि मेरा गेम स्टॉप भी होना चाहिए राइट तो अभी उसके लिए हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया टॉप मोस्ट में एंड हैव रिटन तो आप लोगों को भी ऐसे लेना है एंड आई वॉन्ट ऑल दिस जूनियर्स प्लीज गेट रेडी विथ योर बुक एंड स्टार्ट राइटिंग द इंस्ट्रक्शन सो यू कैन रिमेम्बर एंड हाउ टू क्रिएट अ गेम तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर डिफरेंट डिफरेंट गेम बना सकते हैं वंस यू नो हाउ टू यूज द लेफ्ट साइड ब्लॉक्स तो अब मैं जा रही हूँ राइट साइड में क्योंकि मुझे एक यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी लास्ट में सीख लिया कैसे बनाना है यहाँ से चूज करना है बैकग्राउंड एंड चूज द स्प्राइट तो मैंने स्प्राइट में बॉल एंड ये पैडल यूज किया था अब मैं चाहती हूँ कि एक और ऐड क्योंकि गेम ओवर की आज हम डेडलाइन कैसे बनानी है वो सीखना है तो सबसे पहले मैं राइट साइड में जाऊंगी आई विल चूज अ स्प्राइट जैसे मैं अब मुझे पता है कि मुझे एक रेड लाइन चाहिए तो राइट रेड तो यहाँ पर रेड लाइन का मुझे मिल गया क्योंकि यहाँ पर इसका नाम है लाइन तो मैंने वो लाइन दे दी अभी आप देखो कि अगर मैं इसको इंस्ट्रक्शन देती हूँ तो वो नहीं फॉलो कर रहा है देखिए क्या डिफरेंस है क्योंकि मैंने स्प्राइट यूज किया है बट मैंने इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है तो आई नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन सिंपली डालने से वो वही करेगा जो मैंने उसको कमांड दिया था वो पैडल मूव होगा जो हमने बना के रखा है कोड क्योंकि हम ये इंस्ट्रक्शन दे के रखे थे अपने गेम में अब मेरे गेम में और कुछ एडिशन करना है तभी वो एक प्रॉपर गेम बनेगा तो वो कैसे बनाना है तो अब आई विल सी आई विल जस्ट स्टॉप द गेम और ये स्कोर बोर्ड देखिए चेंज हो रहा है पर ये रेड लाइन पे स्टॉप नहीं हो रहा है आपका गेम क्यों क्योंकि मैंने इसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया है एंड स्कोर बोर्ड मैंने डिलीट नहीं किया इसलिए वो स्कोर दिखा रहा है तो आपको ये अंडरस्टैंड हो इसलिए मैंने ये रखा है सो दैट कैसे डालना है वो भी आज हम सीखने वाले हैं तो एक प्रॉपर गेम को क्रिएट करने के लिए हमने स्टेप सीखे थे कि कैसे लेना है अभी मैंने सेटअप कर लिया अब मुझे उसको कंटिन्यू बता रही हूँ आपको तो अब मैं ये स्टॉप करती हूँ अब मैं जैसे ये रेड लाइन अभी आप डिफरेंस देखिए क्या होगा जब मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगी तो अब मैंने रेड लाइन
स्प्राइट तो मैंने ले लिया, कहाँ से, राइट साइड से चूज अ स्प्राइट में जाके लाइन रेड लाइन जो है मैंने ले लिया है। अब मैं इसमें इंस्ट्रक्शन दूंगी, आई विल गो टू माई लेफ्ट साइड कोड में जाऊंगी एंड आई विल चूज कि इस जो रेड लाइन है, ये जो लाइन है, इस पे कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी सो डैट जब भी बॉल इसको टच हो मुझे उसको इंस्ट्रक्शन देना, वो गेम ओवर हो जाएगा। जो भी मेरी रेड लाइन को टच होगा दैट जो भी खेल रहा है वो आउट हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अब मैं इवेंट लूंगी व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, ये आपको लेना है, हमने ऐड कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ जब मेरा, अभी मेरे को क्या करना है, सेट द पोजीशन ऑफ द लाइन, तो आई विल सेट द पोजीशन ऑफ द लाइन 0x में रहना चाहिए, यहाँ पर ये 0 रहेगा एंड वाई में 170। तो देखिए आई कैन गो लाइक दिस, और जो मार्जिन ऑफ लाइन आपको चाहिए आप ले सकते हैं एंड जितना क्लोज, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा और आगे रहे एंड मेरी लाइन यहाँ पर तक कि बॉल इधर तक आनी चाहिए और 175 एंड आई विल चूज 0 वीओ, ओके, सो दैट हमारा गेम जब भी प्ले हो तो विल गो फॉर इट। तो अब मैं जाऊंगी गो में जाऊंगी एंड आई विल चूज, ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देना है, लेफ्ट साइड से कोड लिया उसके बाद मुझे लेना है गो टू एक्स एंड वाई। तो मतलब मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है लाइन को कि आपका पोजीशन यही रहेगा, तो आई जस्ट सेट द पोजीशन ऑफ द लाइन। अगर आपको चाहिए यहाँ रखना है तो यू कैन चेंज एंड यहाँ पर आप डायरेक्टली ड्रैग द कोड फ्रॉम हियर एंड यू कैन ड्रॉप सिंपली इन द स्क्रिप्ट एरिया, बट आई वॉन्ट कि यहाँ तक, तो इट्स योर चॉइस, आपको जैसे अपने गेम को कैसे प्रोग्राम बनाना है यू कैन डू। तो इधर सिंपली मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है सेट द पोजीशन ऑफ द लाइन, तो वी ऑलरेडी सेट द पोजीशन ऑफ द लाइन। अब नाउ अब मुझे इसे इंस्ट्रक्शन देना है कि व्हेन द बॉल टच द रेड लाइन माय गेम गेट ओवर, यस। तो अब उसको क्या करना है, पहले मैं कंट्रोल लूंगी, एक लूप बनाऊंगी, तो मैंने फॉरएवर चूज किया एंड सिंपली ड्रैग किया कोड वहां से लेफ्ट साइड से एंड मैंने स्क्रिप्ट एरिया में एड कर दिया। अब मैं इसे इंस्ट्रक्शन दूंगी, अब टच किसको होना चाहिए, बॉल को इधर टच है क्योंकि ये पैडल से तो कोई लिंक नहीं है, मेरी बॉल ऊपर नीचे जाएगी, तो ये बॉल को मतलब टच होगा रेड लाइन को, मैं बता रही हूँ अगर बॉल तुम आपको टच होगी। अब सेंसर कैसे बोलते हैं, तो ये सेंस लेगा कि रेड लाइन को अगर मैं टच हुआ तो आया था गेम, क्या दिखाना है इसको, गेम ओवर। अब रेड लाइन इंस्ट्रक्शन, तो मैं गेम पैडल पे ही इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, देखिए मैं दे रही हूँ रेड लाइन, मैं किसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है जूनियर्स। सो नाउ इफ देन, अब मैंने इसको ये कमांड, अब मुझे ये ब्लॉक यूज करना है, आई विल पुट इनसाइड दिस, क्योंकि ये कंटिन्यू में गेम चलेगा इसलिए लूप में लेना पड़ेगा हमको एंड आई विल गिव द सेंस कि इसको अगर इफ द गेम टच सो विल यूज दिस एंड हम मोशन में जाएंगे एंड आई विल चूज कि इफ सो, अभी ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद आई विल गिव इंस्ट्रक्शन कि टचिंग द बॉल, तो मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंसर्ट करना है मुझे इफ देन, मतलब कंडीशन अप्लाई करनी है कि अब जैसे ही वो बॉल, मतलब किसको इंस्ट्रक्शन देना है बॉल को, तो व्हेन द बॉल टच हियर नियर रेड पे तो इट गेट स्टॉप ऑल। तो अब मुझे एक और इंस्ट्रक्शन देना है कि यहाँ पर जब ये एरिया पे बॉल जब टच करे तो क्या होना चाहिए, मेरे गेम स्टॉप हो जाना चाहिए, तो इट विल स्टॉप ऑल। तो मैं जाऊँगी कंट्रोल, इसको मैं कंट्रोल कर दूंगी, यहाँ से मैं जाऊँगी कोड लेफ्ट साइड में कंट्रोल के ऑप्शन में स्टॉप ऑल का ब्लॉक यूज करूंगी एंड आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन माई इंस्ट्रक्शन एरिया। तो मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिस स्क्रिप्ट अदर स्क्रिप्ट इन स्प्राइट, तो ये भी हम बाद में यूज करेंगे, अभी मैं फिलहाल बता रही हूँ ऑल में, मतलब जैसे ही अब देखिए क्या होगा, आई विल शो यू। अब मैंने देखी पहले रेड लाइन पे ये बॉल स्टॉप नहीं हो रही थी, आपने देखा था जैसे ही मैंने इंस्ट्रक्शन डिलीट किया था इट वॉन्ट स्टॉप, तो अब जैसे ही ये बॉल को इधर टच करेगा देन इट विल बी स्टॉप हियर। तो इस तरीके से बॉल देखिए अभी ये स्टॉप हो गया राइट पहले, क्योंकि जब मैंने इसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि इसका क्या यूज है, तो वो अपना जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था वो बाउंस होता जा रहा था। ना आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शन कि जैसे देखिए अगेन आई विल शो यू, जैसे मैंने दिया इंस्ट्रक्शन ये प्ले हो रहा है एंड देखिए मेरा स्कोर बोर्ड भी चल रहा है। अभी हम स्कोर बोर्ड कैसे ऐड करना है वो सीखेंगे। तो देखिए अभी रेड लाइन को जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया व्हेन माय बॉल कम डाउन, अभी पैडल को टच हो रहा है, अभी देखिए मैं इसको पैडल के साथ नहीं टच हुआ, स्टॉप ऑन हो गया, तो मतलब यहाँ पर मेरा
बॉल है वो स्टॉप हो गया है, तो गेम इज ओवर नाउ। ओके, अब मेरा स्कोर बोर्ड कैसे ऐड करना है वो सीखेंगे।